बहुत पेंटें हो गई हैं जी। गैर ज़रूरी से मुराद जो पुरानी हो गई, थोड़ी सी यूज़ हो गई है, मैं फेंकने आ। ये पेंट जी स्टार की पेंट, दूसरी पेंट। What do you do with your used clothes in Europe? Today I will tell you, so let's go. बहुत पेंटें हो गई हैं जी। अब जो ज़रूरत की है वो रखूँगा, और जो गैर ज़रूरी पेंटें हैं, गैर ज़रूरी से मुराद जो पुरानी हो गई, थोड़ी सी यूज़ हो गई है, मैं फेंकने आ। यहाँ फेंका कहाँ जाता है, मैं आपको आज वो दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कपड़े कोई गरीब तो लेने नहीं आता, डिस्पोज नहीं कर सकते, कपड़े बाहर फेंक नहीं सकते। यहाँ स्पेशल जगह होती है जहाँ पर आपने चैरिटी के बॉक्सेस रखे थे, जहाँ कपड़े आपने रख के आने आते हैं, आपको भी दिखाता हूँ फेंके जाते हैं। एक और भी जगह भरी पड़ी है पेंटों से। ये है जी एक पेंट, ये पेंट है, माय गॉड पेंट, दूसरी पेंट ये है, ये भी पेंट, सोच रहा हूँ फेंक ही दूँ। एक ये पेंट है, चले एक दो, और ये मज़े की बात है सारी जी स्टार की पेंटें ये है, जी स्टार की पेंटें, कोई आम से यहाँ पर ब्रांड नहीं होते। बुरी हालत में कपड़ों का रखा हुआ है, कौन है, ज़ारा की, ये भी गई। चलिए बहुत है यार कचरा, उस दिन सोच रहा था अलमारी को सेट करना है, कपड़ों को सही करना है। चलिए हाथ में तो लेके नहीं जाने होते कपड़े, तो बैग में डालते हैं जो जो पेंटें हैं जी निकाली हैं। एक बिन आ गया, मैं आपको दिखाता नहीं कहाँ पर डिस्पोज करते हैं कपड़े, जो यहाँ पर है चैरिटी का एक बॉक्स होगा, उसमें पेंटें डालनी है, दिखाता हूँ कौन सा चैरिटी बॉक्स है। पाकिस्तान की तरह यहाँ पर सिस्टम तो ऐसा नहीं है कि लोगों को आप उतरन अपनी दे दें या पुराने कपड़े दे दें, और लोग लेना भी पसंद नहीं करते, और कपड़े होते भी बहुत महंगे हैं, बावजूद इसके लेना पसंद नहीं करते। और ये जो चैरिटी में हम कपड़े यहाँ पर डाल देते हैं, तो ये बहुत सारे प्रोसेस के बाद, धुलने के बाद, मुख्तलिफ़ कंपनियों को जाते हैं जो यहाँ से इनको पाकिस्तान या गरीब मुल्कों में ना इन्हें डिलीवर कर देते हैं। तो ये है पाकिस्तान में जिसे लंडा कहते हैं, और यहाँ की उतरन है। यही छोटी सी एक वीडियो दिखानी थी कि किस तरह से हम अपनी पुरानी चीज़ें, पुरानी